भाजपा मंडल सोलन से पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की याद में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन करेगी। ये समारोह में जिला भर के कार्यकर्ता भाग लेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर भाजपा सोलन मंडल ने बैठक का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष रविन्द्र परिहार ने की। वहीं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. राजीव सहजल व खादी ग्राम उद्योग के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया और भाजपा नेता राजेश कश्यप भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस मौके पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी स्वर्ग सिधार चुके हैं, जिसके चलते न केवल भाजपा कार्यकर्ता बल्कि समस्त भारत शोकाकुल है। इसीलिए उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिला भाजपा के सभी मंडल व सभी धार्मिक संस्थाएं, सरकारी व गैर सरकारी सदस्य भाग लेंगे और उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। हमारे इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के हमारे बीच में से चले जाने का शोक जो है वो पूरे देश में है। इस देश का हर व्यक्ति व्यथित है। हमारी पार्टी के साथ उनका संबंध था, वो हमारे परिवार से संबंध रखते थे। इस नाते पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि पूरे प्रदेश के अंदर जिला स्तर पर जो है वो शोक सभाओं का आयोजन होगा और इन शोक सभाओं में सब वर्गों के लोग, सब सामाजिक संस्थाएं, सभी राजनीतिक दलों के लोग, तो सब लोग जो हैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं। उस नाते योजना जो है वो पार्टी स्तर पर बनी है और कल 11 बजे मुरारी मार्केट में शोक सभा का आयोजन रखा है, जिसमें सब वर्गों के लोग, पूरे समाज के लोग, आम आदमी, सब पार्टियों के लोग वहाँ एकत्र होकर के अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अटल जी को दें।